ससुराल में बहू का पहला दिन। ओहो, आज तो मेरा ससुराल में पहला दिन है। पता नहीं ये मिठाई जैसी दिखने वाली सास अंदर से कितनी कठोर बनने वाली है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ज्यादा हंसू या थोड़ा कम हंसू। कहीं मेरा मेकअप तो खराब नहीं हो गया। हे भगवान, कहीं मैं चुड़ैल तो नजर नहीं आ रही। एक बार शीशे में देख लेती हूँ। मनीषा वॉशरूम के बहाने अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो अपने आप को शीशे में देखती है और कहती है, अरे मेरा मेकअप तो बिल्कुल ठीक है। शुक्र है मैं चुड़ैल नहीं लग रही, और ऊपर से ये 16 सिंगार। हे भगवान, अब मुझे रोजाना इतना ही मेकअप करके रहना पड़ेगा। तभी तनीषा की ननद आती है और उससे कहती है, अरे तनीषा भाभी, अभी तक आप इन्हीं कपड़ों में हो। अरे जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, आपको पता है ना आपकी और भैया की रस्में शुरू होने वाली है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। अच्छा भाभी, मैं ये लहंगा और ज्वेलरी लेकर आई हूँ, आप ये सब पहन लेना और अच्छे से तैयार होकर बाहर आ जाना। सिमरन के जाने के बाद तनीषा लहंगा उठाती है और लहंगा उठाते ही कहती है, ये भगवान देखो तो सही, ये 50 किलो का लहंगा और 10 किलो की ज्वेलरी। अरे मैं दुल्हन हूँ या फिर कोई अलमारी जिस पर इतना सारा सामान लादा जाएगा। तनीषा से लहंगा उठाया भी नहीं जा रहा था, लेकिन अब उसकी ससुराल का पहला दिन था तो वो करती भी क्या, वो तुरंत लहंगा और ज्वेलरी पहनकर तैयार हो जाती है। तभी उसे बुलाने उसकी सास केसरी आ जाती है। अरे बहू, अभी तक तैयार नहीं हुई? ओहो देखो तो जरा, मेरी बहू एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है इस लहंगे में। अरे इन गहनों ने तो तेरी खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। ला तेरी नजर उतार दूं। हे भगवान देखो तो सही, यहाँ मैं इतना भारी लहंगा और गहने पहनकर धरती के अंदर धंसने वाली हूँ और इन्हें मेरी नजर उतारने की पड़ी है। बेचारी तनीषा जैसे तैसे करके अपना लहंगा और चुन्नी संभालती है और मेहमानों के सामने पहुंच जाती है, जहाँ उसे देखते ही सभी लड़कियाँ उसके साथ सेल्फी लेने लगती हैं। ये सब देखकर ममता कहती है, अरे लड़कियों बस करो, क्यों परेशान कर रही हो हमारी बहू रानी को। अरे बहू क्या बात है, ससुराल में पहले दिन पर ही तेरा चेहरा उतरा उतरा नजर आ रहा है। अरे अरे, शादी करना कोई मामूली बात थोड़ी है, इतनी सारी रस्में होती हैं, रिवाज होते हैं, अब ऐसे में बेचारी का मुंह नहीं लटकेगा तो और क्या होगा। ओहो सासू माँ जी, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया, लगता है इस घर में केवल आप ही हैं मुझे समझने वाली। अपनी सास का ऐसा व्यवहार देखकर तनीषा को थोड़ी शांति होती है, लेकिन तभी सिमरन रस्म स्टार्ट होने से पहले ही कहती है, अरे ये क्या भाभी, अभी तो आपने हमें अपने मायके से लाया हुआ सामान भी नहीं दिखाया, पहले हमारी पसंद की चीजें तो दे दो। वैसे आपकी मांग में ये सजा हुआ टीका मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी माँ की आखिरी निशानी है सिमरन, तुम इसे मत मांगना। आप एक काम कीजिए, मुझे अपनी मांग का टीका ही दे दीजिए। लेकिन ये तो मेरी माँ की आखिरी निशानी है, ये मैं तुम्हें कैसे दे दूँ। तभी वहाँ पर आकाश आता है और अपनी बहन से कहता है, अरे नहीं सिमरन, तुम जानती हो ना किसी की माँ की निशानी लेना अच्छी बात नहीं होती। तो भी ठीक है भाभी, जाओ आप अपना संदूक लेकर आओ, मैं उसमें से कुछ ना कुछ पसंद कर लूंगी। मगर मैं इतना भारी संदूक कैसे। तभी तनीषा की बुआ सास बोल पड़ती है, ओहो बहू अब अपना संदूक तो दिखाओ, उसमें तो क्या क्या लेकर आई है। और तुझे तो पता है ना, संदूक से तो हम अपने ही पसंद से सामान ले सकते हैं। अरे तो मैं कौन सा रोक रही हूँ, लेकिन मैं इस हालत में अपना संदूक कैसे खोलूंगी। अरे मेरी बहना, तुम भी हद करती हो, बहू की हालत तो देखो, इतना भारी लहंगा उसे संभाला भी नहीं जा रहा है, और तुम हो कि उसके संदूक के पीछे पड़ी हो। एक काम करना, जब बहू सारी रस्में पूरी कर लेगी उसके बाद उसके कमरे में जाकर उसके संदूक को खुलवा लेना और जो चाहिए वो ले लेना। ये सुनकर तनीषा को थोड़ी सी संतुष्टि हो जाती है, जिसके बाद तनीषा की बाकी की रस्में शुरू हो जाती हैं। तभी आकाश की दादी तनीषा को देखने के लिए आती है। ओहो बहू, तेरी माँ ने तुझे संस्कार नहीं सिखाए, तुझे नहीं पता कि बड़े बूढ़ों के पैर छूते हैं। ओमवती के इतना कहते ही तनीषा नीचे झुककर ओमवती के पैर छूती है, जिसके बाद ओमवती तनीषा से कहती है, देख बहू तूने सारी रस्में पूरी कर ही ली हैं, एक काम कर, अब तू जाकर हमारे लिए कुछ मीठा बना ले, तेरी रसोई की रस्म अभी बाकी है। फाइनली जिस रस्म का तनीषा इंतजार कर रही थी, आखिरकार उसे वो रस्म करने के लिए मिल ही रही थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी आपके लिए कुछ अच्छा सा मीठा बनाकर लेकर आती हूँ। तनीषा बहुत खुशी से रसोई में जाती है, लेकिन इतना भारी लहंगा और ज्वेलरी पहनने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। वो हलवा बनाने का सामान रसोई में यहाँ से वहाँ ढूंढ रही होती है। एक तो ये 50 किलो का लहंगा, ऊपर से इतने सारे गहने, अब मैं मीठा कैसे बनाऊँ। हे भगवान, शादी के कितने चोचले होते हैं। तनीषा सबसे पहले अपने हाथों का चूड़ा उतारती है और अपने गले और कान से सारे गहने उतार कर रसोई में एक तरफ रख देती है, जिसके बाद वो हलवा बनाना शुरू करती है।
लेकिन इतनी भारी भरकम लहंगे की वजह से वो पसीने से तरवतर हो जाती है। हे भगवान, कितनी गर्मी है, काश मैं इस लहंगे को उतार कर कुछ हल्का सा पहन पाती। तभी वहाँ पर आकाश पहुँच जाता है और उसके उतरे सभी गहने किचन में एक तरफ देख लेता है, जिसे देखकर वो अपने मन ही मन सोचता है, बेचारी इन रीति रिवाजों के चक्कर में परेशान हो गई, अब मैं इसकी मदद कैसे करूं? ऐसा सोचकर आकाश तनीषा से कहता है, अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है हलवे की, वैसे तुम्हारे हाथों में जादू है जादू। ये सुनकर तनीषा बहुत खुश होती है और मुस्कुराने लगती है। वो हलवा बनाने के बाद सबसे पहले आकाश को हलवा परोसती है और उसके बाद घर के बाकी सदस्यों को हलवा देती है। सभी लोग हलवा खाने के बाद तनीषा की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह बहू, तूने तो बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया है, ये ले मेरी तरफ से ये सोने के सिक्के तुझे उपहार में। अरे बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, इतना स्वादिष्ट हलवा मैंने पहले कभी नहीं खाया, तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। केसरी अपने गले से सोने का नेकलेस उतार कर अपनी बहू के गले में पहना देती है। ये उपहार मेरी तरफ से तेरे लिए। हर कोई तनीषा की पहली रसोई पर उसे कोई ना कोई उपहार देता है। ये सब देखकर तनीषा बहुत खुश हो जाती है। तभी आकाश तनीषा से कहता है, तनीषा तुम्हारी कमरे में तुम्हारे लिए मैंने एक सरप्राइज रखा है, जाओ कुछ ही देर में तुम्हारे माता पिता आने वाले हैं, उससे पहले तुम वो सरप्राइज देख लो। सरप्राइज का नाम सुनते ही तनीषा का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और वो खुशी से अपने कमरे में जाती है, जहां उसके लिए एक बहुत प्यारी सी हल्की नेट की साड़ी रखी होती है और साथ में एक लेटर भी होता है। मेरी प्यारी बीवी, मैं जानता हूं तुम बहुत ज्यादा थक गई हो इतना भारी भरकम लहंगा पहनकर, इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्यारी सी सुंदर सी साड़ी लेकर आया हूं, ये बहुत हल्की है और शाम के फंक्शन में भी बहुत प्यारी लगेगी। अपने पति का इतना सारा सरप्राइज देखकर तनीषा बहुत खुश हो जाती है। वो लहंगा उतार कर अपने पति की दी हुई साड़ी पहन लेती है, जिसके बाद वो बहुत प्यारी लगने लगती है। शाम के फंक्शन में वो आराम से सबसे घुल मिल जाती है और सबके साथ बहुत अच्छे से एंजॉय भी करती है। तो ये था हमारी बहू का ससुराल में पहला दिन। इस कहानी को देखने के बाद सभी ने तनीषा की जगह अपने आप को जरूर रखा होगा। आपका ससुराल में पहला दिन कैसा रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। सौम्या एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी, पर कुछ समय पहले ही उसकी माँ रेखा का स्वर्गवास हो गया, जिस कारण सौम्या के पिता बिरजू ने दूसरी शादी कर कविता को अपनी पत्नी बना लिया। बस तभी से सौम्या की सुलझी हुई जिंदगी में जहर घुलने लग गया। उसकी सौतेली माँ कविता उसे बात बात पर सुनाने लगती थी, तो कभी मारती थी। वो साफ सफाई कर रही थी कि गीले पोछे के कारण कविता गिर जाती है और चिल्लाकर कहती है, अरे मोरी मैया, मार डाला मुझे, तोड़ दी मेरी कमर, इतनी बड़ी उठनी हो गई है लेकिन काम करना अभी तक नहीं आया, सौम्या कहाँ मर गई, इधर आ। तभी जैसे तैसे कविता उठती है कि सौम्या के आते ही उसे एक तेज चांटा मार कर कहती है, नालायक, ऐसे झाड़ू पोछा लगाते हैं, अरे कल को ससुराल जाएगी तो तू मेरी नाक ही नीचे करवा देगी, तेरी वजह से मैं गिर गई, मैं तेरी सौतेली माँ हूँ इसलिए तू मुझसे बदला ले रही है ना? नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो आपको अपनी माँ ही मानती हूँ, पर आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझते, आपके लिए तो बस प्रिया ही सगी बेटी है। सौम्या की ये बात सुनकर कविता उसका जोर से हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी से अपनी तुलना करने की, कहाँ मेरी बेटी और कहाँ तू गंगूतेली, मेरे सामने ज्यादा जुबान खोलने की जरूरत नहीं है, जा जाकर खाना बना शाम का। जी माँ। रोते रोते सौम्या सब्जी काटती है तो उसका हाथ कट जाता है और वह जोर से चिल्लाती है, माँ माँ मेरे पास वापस आ जाओ, छोटी माँ मुझे बहुत मारती है, बहुत अत्याचार करती है मुझ पर, मैं उनकी बेटी बनने की जितना कोशिश करती हूँ वह उतना ही मुझे सौतेली कह देती है, माँ होती तो मेरी मरहम पट्टी कर देती। अरे ओ महारानी कहीं की, खाना बनाया नहीं ना तूने अभी तक? बस बस मैं बना ही रही हूँ, थोड़ी देर और। एक काम नहीं होता इससे, मेरे सिर पर चढ़कर नाच रही है, तुझे तो ससुराल भेज दूंगी, मेरे कलेजे से तेरा भार तो कम होगा। बड़बड़ाते हुए कविता अपने कमरे में चली जाती है। सौम्या खाना पका कर तैयार कर लेती है, तभी शाम को उसका पिता बिरजू आकर कहता है, अरे सौम्या, प्रिया, कविता जल्दी आओ, एक खुशखबरी है। क्या बात है पिताजी, आज आप बहुत खुश हैं? अरे बात ही ऐसी है। क्या बात है, जरा मुझे भी बता दीजिए। अरे जो मेरे फैक्ट्री में मेरे दोस्त है ना सुरेश बाबू,
वो अपने बेटे राहुल का एक साधारण सुलझी हुई लड़की से रिश्ता कराना चाहते हैं, तो मैंने उन्हें अपनी सौम्या बेटी के बारे में बता दिया। फिर कल ही वो रिश्ता लेकर घर आ रहे हैं। अरे वाह सौम्या, बधाई हो। चलो अच्छा है, कम से कम ये तो इस घर से निकलेगी। जब देखो रोज इसकी मनहूस शक्ल देखनी पड़ती है। हाँ, और मेरा बोझ भी कम हो जाएगा। सौम्या कल ठीक से तैयार हो जाना। ये सुनते ही सौम्या रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की तस्वीर को पकड़ कर कहती है, माँ मैं तो गलत साबित हो ही गई। पिताजी के लिए भी मैं एक बोझ हूँ। मुझे तो लगता था पिताजी मुझे प्यार करते हैं, पर नहीं, वो तो मुझसे रिहा होना चाहते हैं। सौतेली माँ ऐसी होती है, जानती हूँ, पर सौतेली माँ के आने से पिता भी सौतेला कब बन जाता है ये वक्त बता ही देता है। माँ मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। माँ यहाँ भी मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। मुझे लगता है ससुराल वाले भी ऐसे ही होंगे, कोई प्यार नहीं करेगा मुझे। तभी सौम्या की माँ रेखा आती है और उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, बेटा रो मत, तुझे बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा। प्यार करने वाला तेरे कदम पड़ते ही उस घर की स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी कि वह सब लोग तुझसे प्यार करेंगे। मैं तुझे जादुई कदम का आशीर्वाद देती हूँ। माँ आपको अब भी मेरी फिक्र है? ये सुनते ही उसकी माँ की आत्मा गायब हो जाती है। अगले दिन वह अपनी माँ की साड़ी पहनकर लड़के के सामने जाती है। तभी लड़के के माता पिता सुरेश कांता कहते हैं, आपकी बेटी तो बहुत ही अच्छी है। हाँ, चेहरे से तो इसकी सादगी झलकती है। मुझे तो सौम्या बहू के रूप में बहुत पसंद है। अब जल्दी से चटमंगनी पट ब्याह कर दीजिए। अजी वो सब तो ठीक है, पर मुहूर्त नाम की भी चीज होती है, इसलिए हम तो पंडित जी से मुहूर्त देखकर ही शादी करवाएंगे। जैसी आपकी इच्छा। बहू ये लो तुम्हारा शगुन। ऐसा कहकर कांता अपनी बहू को शगुन चढ़ा देती है और 2000 का नोट उसके सर से घुमाकर हाथ में थमा देती है। तभी पैसे देखकर कविता उसे धीरे से कहती है, ए सौम्या की बच्ची, ला ये पैसे मुझे दे दे। आंखें क्या फाड़ के क्या क्या देख रही है? तभी आसानी से कविता उसके हाथ से पैसे छीन कर अपने पास रख लेती है और राहुल कहता है, माँ क्या हम अभी अंगूठी पहनाने की रस्म कर सकते हैं? हाँ बेटा, पर मैं अंगूठी तो लेकर आई नहीं हूँ। माँ मैं लाया हूँ दोनों की, अंकल इजाजत है? हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें पूछने वाली क्या बात है। राहुल के इतना कहते ही वह एक दूसरे को अंगूठी पहनाने की रस्म पूरी करते हैं, जिसके बाद वह अपने घर वापस आ जाते हैं। और राहुल अपने छोटे भाई विनीत को परेशान देखकर कहता है, क्या हुआ, अभी तक तुझे इस प्रोजेक्ट का हेड नहीं बनाया? कहाँ भैया। तभी विनीत के बॉस का फोन आता है और वह कहता है, सच में सर कल से ही? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल ऑन टाइम आऊंगा, मुझे मंजूर है। अरे क्या बात है, अभी तू इतना गम में डूबा हुआ था और अचानक से खुश कैसे हुआ? अरे भैया क्या बताऊं, मुझे प्रोजेक्ट का हेड भी बना दिया और मेरी पोस्ट भी बढ़ा दी। 3 महीने से ये हो नहीं रहा था, अब हो गया। सच? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तभी विनीत घर में सबको यह खुशखबरी देता है, जिसके बाद सब खुशी से झूमते हैं। वहीं अगले दिन कांता की सुमन बेटी का फोन आता है और कहती है, माँ मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर देना चाहती हूँ। हाँ बेटा बोल। आप जानती है ना हर्ष का, मैं 1 साल से इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन कराने के लिए चक्कर काट रही थी, पर कुछ हुआ नहीं। और 5 मिनट पहले ही उसका एडमिशन उससे भी ज्यादा बड़े अच्छे स्कूल में हुआ है। पता नहीं अचानक से चमत्कार कैसे हो गया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अच्छा है। शाम को कांता अपनी बड़ी बहू वैशाली के साथ खाना बना रही थी, तभी दरवाजे पर डाकिया आता है और वैशाली उसे लेटर लेकर जब पढ़ती है तो खुशी से कहती है, ओ माय गॉड हाउ इट इज पॉसिबल। माजी 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 जल्दी आइए, मुझे आपको कुछ बताना है। अरे क्या हुआ, क्यों पूरे घर को सर पर उठा लिया तूने? माजी मैं डॉक्टर बन गई हूँ, देखिए मेडिकल इंस्टीट्यूट से मेरा रिजल्ट आ चुका है। अब से मैं डॉक्टर वैशाली शर्मा कहलाऊंगी। मुझे तो लगा था मैं पास ही नहीं हो पाऊंगी, बट हो गया। ये तो गजब ही हो गया। जब से कल राहुल का रिश्ता सौम्या से हुआ है, तब से घर में खुशियों की पोटली एक के बाद एक खुलती ही जा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी, मैं तो कहती हूँ जल्दी से शादी कर दीजिए देवर जी की। सही बोला तूने, बस तेरे पापा जी भी ठीक हो जाते तो अच्छा होता।
वह अंदर से परेशान है पर दिखाते बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी इलाज नहीं हो रहा, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, पापा की दिल के छेद का ऑपरेशन भी हो जाएगा। मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगी, अब डॉक्टर जो बन गई हूँ। हाँ बेटा। कुछ दिनों बाद घर में राहुल और सौम्या की शादी की रौनक होती है और देखते ही देखते दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। तभी कांता उसका गृह प्रवेश करती है। बहू वैसे तो सारी जिम्मेदारी वैशाली ने संभाली थी, उम्मीद है तुम दोनों देवरानी जेठानी अच्छे से इस घर को मिलकर संभालोगी। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बातों पर खरी उतरूंगी। दो दिन बीत जाते हैं। सौम्या अच्छे से अपने ससुराल वालों का ख्याल रखी रही थी कि घर पर एक डॉक्टर आता है जो कहता है, अरे सुरेश जी मैं आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे केस में कभी चमत्कार होता हुआ नहीं देखा, सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। ऐसी क्या बात होगी डॉक्टर, कोई घबराने वाली बात है? क्या बात है डॉक्टर साहब बताइए ना। अरे सुरेश जी की जो मेडिकल कंडीशन थी उसका सलूशन मिल गया है, एक डॉक्टर मिले हैं और उन्होंने कहा है कि सर्जरी से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं तो नाउम्मीद हो गया था लेकिन अचानक से सब अच्छा हो गया। जानती हूँ ये सब मेरी सौम्या बहू की वजह से हो रहा है, जब से उसका रिश्ता राहुल से जुड़ा है तो घर में विनीत सुमन वैशाली सबके साथ इतना अच्छा हुआ है और बहू के आते ही इसके पापा का इतना बड़ा केस ठीक हो गया। सच में तू तो हमारे लिए लक्ष्मी साबित हुई है। माँ जी ये सब मेरी माँ का आशीर्वाद है जो हमेशा मेरे साथ रहती हैं। इसी के चलते सौम्या से सब बहुत प्यार करते हैं। कुछ समय बाद सुरेश की हार्ट सर्जरी अच्छे से हो जाती है, फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। करिश्मा एक गरीब असहाय अनाथ लड़की थी जो अपना पेट पालने के लिए श्यामू नाम के आदमी के साथ काम करके उसके ठेले पर आए ग्राहकों को संभालती थी। पैसों के बदले में वो श्यामू से खाना लेकर घर की ओर बढ़ती है, जहाँ सुनसान रास्ते पर उसका प्रेमी पार्थ आकर कहता है, करिश्मा कैसी हो तुम? ठीक ही हूँ, वैसे हमारी शादी का क्या हुआ, बात की तुमने अपनी मम्मी से? करिश्मा माँ से बात तो की है पर माँ हमारे रिश्ते के लिए मान नहीं रही है क्योंकि तुम गरीब हो, दहेज वगैरह की बात कर रही है। पर मैंने भी माँ से कह दिया है मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। पार्थ मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मुझसे प्यार मत करो, तुम्हारी माँ नहीं मानेंगी, मैं एक गरीब परिवार से हूँ। करिश्मा माँ को जो चाहिए मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तुमसे मतलब है और तुम बहुत अच्छी हो और काफी हो, तुम मुझे अच्छे से घर संभाल लोगी मैं जानता हूँ, परेशान मत हो। ये कहकर पार्थ वहां से चला जाता है और करिश्मा भी आगे चलने लगती है कि उसे तीन छोटे छोटे बच्चे रोते हुए वहां मिलते हैं। तभी करिश्मा कहती है, क्या हुआ इतने प्यारे प्यारे बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? आ दीदी दीदी मुझे और मेरे दोनों भाई बहनों को भी बहुत भूख लग रही है, हमने कल शाम से कुछ भी नहीं खाया है, मेरी छोटी बहन बहुत रो रही है, कुछ खाने को दो ना। बोतला दी है भैया बताना है। हल्ले हल्ले हल्ले, ये छोटी सी प्यारी सी लड़की तो बहुत क्यूट है और तुम दोनों बच्चे भी बहुत प्यारे हो, तुम्हें भूख लग रही है ना, ऐसा करो ये खा लो, बहुत अच्छी आलू पूड़ी है इसमें। हाँ हाँ दीदी ये तो हमें बहुत पसंद है। करिश्मा के कहते ही तीनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। तभी करिश्मा पार्थ की बातों को सोचकर आंसू बहा रही होती है। ये देखकर चिंटू कहता है, अरे दीदी आप रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा चिंटू। अरे दीदी थोड़ा सा तो बता दो क्या हुआ है? वो मेरी शादी नहीं हो रही है क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। आप फिक्र मत कीजिए अब आपकी शादी जरूर होगी। पर कैसे? तभी चिंटू जादुई रोशनी के साथ ढेर सारे सोने के सिक्के देता है, फिर मिंटू जादू से हीरे की बरसात करता है, फिर किट्टू अपने जादू से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना उसके सामने प्रकट करती है। ये देखकर करिश्मा हैरानी से कहती है, ये सब मैं क्या देख रही हूँ, तुम तीनों तो बहुत ही छोटे बच्चे हो और ये सब जादू कैसे कर रहे हो, सोना हीरे इतना सारा खाना, फिर तुमने मुझसे खाना क्यों मांगा? दरअसल हम यहाँ पर किसी नेकदिल जरूरतमंद की मदद करने के लिए आए थे, पर कैसे और किसकी करें ये समझ नहीं आया, इसलिए हमने सोचा जो हमें खाना खिलाएगा हम उसकी मदद करेंगे, इसलिए आप अपने ससुराल वालों को कह दीजिए कि अब आप गरीब नहीं हैं, उनको जो भी चाहिए अब हम तीन बच्चे उनकी मांग पूरी करेंगे, इससे आपकी शादी आसानी से हो जाएगी। क्या सच में? तुमने तो मेरी सारी परेशानियां ही खत्म कर दी। ठीक है मैं भी पार्थ से बात करती हूँ, आप तीनों बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुमने
जो ये सब खाना दिया है उसमें से थोड़ा मैं लेकर गरीब बच्चों को खिला सकती हूँ? बिल्कुल, ये सारा सोना और हीरा भी आपका ही है, आप इनका कुछ भी करिए, हम आपको और दे सकते हैं, क्योंकि हम तीन जादुई बच्चे हैं। ये सुनकर करिश्मा जल्दी से सारे सोने और हीरे को अलग अलग पोटली में बांध लेती है और खाने को गरीब बच्चों और लोगों को खिला देती है, जिसके पश्चात वो तीनों जादुई बच्चे उसके साथ घर लौटते हैं और जादू से वो और उसकी माँ खाना खाते हैं। अगले दिन करिश्मा सज धज कर पार्थ और सुमन से अपने रिश्ते की बात करती है, साथ ही उन तीनों जादुई बच्चे के बारे में बताती है। लालच के मारे सुमन पार्थ और करिश्मा की शादी धूमधाम से करा देती है, जिसमें नई बहू दहेज में तीन जादुई बच्चों के साथ गृह प्रवेश करती है। देखो, मैंने तो तुम्हारी बात मानकर शादी करा दिया, अब तुम इन तीन बच्चों का जादू दिखाओ मुझे। माँ जी, मेरे जेवर देखिए, सोने और हीरे से जड़े हैं, चिंटू मिंटू की वजह से हुआ है, और शादी में जो आपने खाना खाया था वो सारा खाना किट्टू की वजह से आया है। चिंटू मिंटू किट्टू, क्या एक बार तुम माँ जी के सामने अपनी जादू का प्रदर्शन कर सकते हो? हाँ दीदी, आंटी मैं आपको टेस्टी टेस्टी खाना खिलाती हूँ। तभी किट्टू के हाथ से एक तेज रोशनी में स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पकवान उसके सामने हाजिर होते हैं। ये देखकर बुढ़िया के मुंह से पानी टपकने लगता है और वो लपक कर खाने लगती है। आह, क्या खाना है, एकदम मजेदार। आहा, करिश्मा, आखिरकार तुम्हारा जादू माँ पर चल ही गया? ये सब मैंने नहीं, चिंटू मिंटू किट्टू ने किया है, शुक्रिया तुम तीनों बच्चों का। कोई बात नहीं दीदी। तभी खाना खाते खाते सुमन एक जोर का विस्फोटक पाद मारती है, उसकी बदबू पूरे घर में फैल जाती है और महेश कहता है, अरे भगवान, जब तुम्हें हजम नहीं होता तो इतना सारा खाना लपड़ सपड़ कर खाने की क्या जरूरत है? इतना सारा खाना मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, इसलिए टूट पड़ी, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बापूजी। हाय सासू माँ जी, आपने बहुत जोर का छोड़ा है, चिंटू मिंटू क्या तुम इस बदबू को हटा सकते हो? हाँ बिल्कुल। तभी चिंटू अपने जादू से पूरे घर में खुशबूदार फूलों की बरसात कर देता है, जिससे पूरा घर महकने लगता है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है, रईस के घर की तरह, जैसे किसी ने महंगे वाला परफ्यूम छिड़क दिया हो। वो तो है, अब मेरी बारी। ये कहकर चिंटू मिंटू अपने जादू से सोने के सिक्के और ढेर सारे हीरे की बरसात कर देते हैं। ये देखकर पूरा परिवार आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे कमाल हो गया, इतने सारे चमचमाते हीरे तो मैंने कभी नहीं देखे। बहू, तुम इन बच्चों को दहेज में लाई हो अपने साथ, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब हमारे है ना? जी बापू जी। ठीक है, तुम दोनों सो जाओ, अब जाकर हम यहाँ हैं, और तुम तीनों बच्चे उस वाले कमरे में रहने चले जाओ जो सामने है। ठीक है आंटी। ये सुनकर पार्थ और करिश्मा अपने कमरे में चले जाते हैं और चिंटू मिंटू किट्टू भी। वहीं लालची सुमन उन सोने के सिक्कों को बेड पर फैलाकर महारानी की तरह लेट जाती है और महेश उन हीरों को हाथ में लेकर घूमता रहता है और उस खाने को भी कमरे में रख देता है। वक्त गुजरता है, बड़े प्यार से सुमन करिश्मा के साथ पेश आती है। एक दिन सुमन मिंटू से कहती है, ए बच्चे, घर में कितनी सारी गंदगी हो रही है, जाले लगे हैं, सफेदी खराब है, कुछ भी नहीं चमक रहा, क्या तुम अपनी जादू से ये सब कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, ये देखिए। मिंटू के एक चुटकी बजाते ही घर के जाले साफ हो जाते हैं, दीवार का पेंट बदल जाता है, पूरा घर चमकने लगता है। ये देखकर बड़ा सा मुंह खोलकर सुमन कहती है, तुम तो सच में कमाल हो, बड़ा अच्छा जादू आता है तुम तीनों बच्चे को। वो तो है। तभी घर के द्वार पर एक भिखारन खाना मांगती है, जिसे सुमन डांट कर भगा रही थी। चल चल जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी आ जाते हैं। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? किसी को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। मुझे ज्यादा मत सिखा, समझी? किट्टू मिंटू, अगर हम चले गए तो ये करिश्मा का जीना आराम कर देंगे, हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल, तुम सबक सिखाओ, मैं उन आंटी को खाना खिलाती हूँ। तभी वो बच्ची जादू से बहुत सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजा देती है और करिश्मा को इशारा कर देती है, फिर करिश्मा उसे अंदर लाकर खाने को कहती है। वहीं चिंटू मिंटू सुमन को हवा में बार बार पटकते हैं तो कभी पंखे पर लटका कर कहते हैं, आंटी जी कभी भी एक गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए, आपको वैसे ही अपमान आपने करिश्मा का किया था, अगर हमारे जाने के बाद आपने उसके साथ ऐसा किया तो हम यही सब करेंगे आपके साथ। बचाओ बचाओ मुझे, मेरा सर घूम रहा है, बच्चों मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी।
शुक्रिया चिंटू मिंटू किट्टू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम मुझसे मिलने तो आओगे ना? हाँ बिल्कुल। इस तरह वो तीनों बच्चे करिश्मा को ढेर सारा सोना, हीरे और खाना देकर चले जाते हैं, जिसके बाद सुमन अपनी बहू का सम्मान करके उसके साथ खुशी खुशी रहती है।